स्टाफ सिलेक्शन कमीशन माने SSC ने 3 अप्रैल को कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम यानी SSC CGL 2023 की भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। ये भर्तियां ग्रुप सी और बी के पदों के लिए होनी है। इस भर्ती परीक्षा के जरिए भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में 7,500 से ज्यादा पद भरे जाएंगे। लेकिन नोटिफिकेशन जारी होते ही एक विवाद छिड़ गया। 7 अप्रैल को ट्विटर पर SSC CGL 2023 की वर्ड ट्रेंड कर रहा था। कई अभ्यर्थी इस अप्रैल की उम्र सीमा को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। पहले जानते हैं कि छात्रों की मांग क्या है। SSC के नोटिफिकेशन के मुताबिक CGL 2023 एग्जाम के लिए कैंडिडेट की उम्र 18 से 32 साल के बीच होनी चाहिए। इसके लिए उम्र सीमा 1 अगस्त 2023 रखी गई है, यानी उम्र की गिनती इसी तारीख से होगी। सोशल मीडिया पर विरोध कर रहे अभ्यर्थियों की आपत्ति इसी पर है। उनका कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो कई छात्र एग्जाम देने के आखिरी मौके से छूट जाएंगे। ट्वीट कर रहे लोगों ने दावा किया कि पहले उम्र की गणना 1 जनवरी से होती थी। तेजस्वी रघु नाम की एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा, छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए SSC CGL 2023 के एज कट ऑफ डेट को 1 अगस्त से 1 जनवरी करना चाहिए। इस अचानक बदलाव से हजारों छात्रों की जिंदगी को नुकसान पहुंचेगा। पंकज नाम के यूजर ने एक पोस्टर ट्वीट किया जिसमें लिखा है, SSC हमेशा से विद्यार्थियों की सुनता आया है और इस बार भी आशा है कि सुना जाएगा। कट ऑफ डेट एक गंभीर समस्या है और इसकी वजह से लाखों विद्यार्थियों के भविष्य पर प्रभाव पड़ सकता है। आशा है कि SSC आयु सीमा तिथि को 1 जनवरी 2023 करेगा। वहीं योगेश बेनीवाल नाम के एक शख्स ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री को टैग करते हुए लिखा है, लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर है। SSC CGL 2023 के लिए एज कट ऑफ डेट को 1 जनवरी 2023 माने। 1 जनवरी से 1 अगस्त के बीच पैदा हुए छात्र भी आखिरी मौका पाने के हकदार हैं। इस तरह से कई और ट्विटर यूजर्स ने एज कट ऑफ बदलने की मांग करते हुए ट्वीट किया। कई लोगों ने पुराने नोटिफिकेशन को शेयर करते हुए लिखा कि पहले SSC उम्र की गिनती 1 जनवरी से किया करता था। SSC CGL 2023 एग्जाम के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 3 मई है। आवेदन के लिए कैंडिडेट का किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से ग्रेजुएट होना जरूरी है। CGL में अलग अलग पोस्ट के हिसाब से उम्र की सीमा भी अलग अलग है, लेकिन सभी उम्मीदवारों की उम्र की गिनती 1 अगस्त के हिसाब से ही होगी। भर्ती नोटिफिकेशन के मुताबिक भारत सरकार के विभागों में असिस्टेंट ऑफिसर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ऑडिटर, अकाउंटेंट और अपर डिविजन क्लर्क समेत कई पद शामिल है। CGL 2023 एग्जाम के फेज 1 परीक्षा इस साल जुलाई के महीने में आयोजित होगी। इसकी जानकारी SSC ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी है, लेकिन एग्जाम की तारीखें अभी नहीं बताई गई। वहीं फेज 2 एग्जाम के बारे में भी जानकारी बाद में दी जाएगी। CGL परीक्षा 2 चरणों में होगी। ये चरण है Tier 1 और Tier 2। Tier 1 एग्जाम 1 घंटे का होगा। इसमें 200 नंबर के 100 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और अंग्रेजी विषय सवाल पूछे जाएंगे। हर सेक्शन से 25 सवाल पूछे जाएंगे। वहीं Tier 2 एग्जाम में इस बार भी 3 पेपर होंगे। Paper 1 में 3 सेक्शन होंगे। लिखित परीक्षा पास करने के लिए कैंडिडेट्स को Paper 1 के सारे सेक्शंस में क्वालिफाई करना होगा। तीसरा पेपर उन कैंडिडेट्स के लिए होगा जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के पद के लिए अप्लाई करेंगे। इस पेपर में फिनांस और अकाउंट से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इसमें 200 नंबर के कुल 100 सवाल होंगे। एग्जाम को लेकर विस्तार में जानकारी के लिए आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट यानी ssc.nic.in पर जा सकते हैं। अब ये तो हुई खबर जो लिखी थी मेरे साथी साकेत ने। आपकी क्या राय है? अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपकी क्या मांगें आप हमसे कमेंट में साझा कर सकते हैं। मेरा नाम है सोनल, देखते रहिए दिल एल एंड टॉप। शुक्रिया।